इटारसी से इस वक्त खबर है, जहां नर्मदापुरम बैतूल हाईवे बंद कर दिया गया है। इटारसी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां NH-69 पर सुखतवा में पुल गिरा, पुल से गुजर रहा ट्रक भी नीचे गिर गया, दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। इटारसी से खबर आपको बता रहे हैं, नर्मदापुरम बैतूल हाईवे बंद कर दिया गया है। NH-69 पर सुखतवा में पुल गिर गया, पुल से ट्रक गुजर रहा था वो भी नीचे जा गिरा, दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई हैं। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो पुल है वो टूटा है। जानकारी देने संवाददाता आलोक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आलोक, क्या कुछ मामला है? काफी तादाद में हम देख रहे हैं कि इस ट्रक पर सामान भी लोड था, और कितना पुराना ये ब्रिज बताया जा रहा है, पुल बताया जा रहा है, जो इस तरह से डैमेज हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी आलोक? देखिए, ये NH-69 का ये पूरा मामला है। सुखतवा के पास में ये पुल है, और भोपाल से नागपुर को जोड़ने वाला ये पुल है। नेशनल हाईवे पर बना था सुखतवा का ये पुल है, और ब्रिटिश शासन काल का एक लगभग 150 साल पुराना ये ब्रिज है, और ये ब्रिज धराशायी हुआ है। 132 पहिए का ये विशाल काय ट्रक था, जिसका वजन लगभग 127 टन के आसपास बताया जा रहा है। और अभी तत्काल प्रभाव से पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है, और कोई वैकल्पिक मार्ग तो अभी फिलहाल में नहीं है। कह सकते हैं कि अब अगर किसी को बैतूल या नागपुर की यात्रा करनी होगी तो उसे अब पिपरिया और मटकुली होते हुए, छिंदवाड़ा होते हुए ही नागपुर जाना होगा। ओवर टू यू पारल। बिल्कुल, यानी जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये परेशानी है, और जाहिर सी बात है कि नियम होते हैं आलोक इन गाड़ियों के निकलने के लिए भी, इनके जो इनका वेट है वो चेक होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन बावजूद उसके इतनी क्षमता में ट्रक के साथ सामान ओवरलोड करके ले जाया जा रहा था, किसी ने चेकिंग नहीं की, किसी को पता नहीं चला, या फिर ये से परमिशन मिली हुई थी? नहीं, ये मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए, ये तो 132 पहिए का जो ट्रक था, 127 टन वजन, ये इटारसी की पावर ग्रिड जा रहा था, तो पावर ग्रिड जा रहा था। ट्रक का वजन तो जो होता है वही था, कोई ओवरलोडिंग की कोई सवाल नहीं है इसमें। लेकिन जो जिम्मेदार है, जो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, उनको इस ब्रिज की मरम्मत की याद नहीं आई। काफी लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि जो तवा का जो ओवर ब्रिज है लगभग 1.5 माह तक बंद रहता है, 1.5 माह के बाद में उसको म्याद बढ़ाई जाती, 3 माह हो जाती, 3 से 4 माह हो जाती, लेकिन आज भी उस पे प्रॉपर यातायात शुरू नहीं हुआ, जिसका उदाहरण हमको सीधा देखने को मिला था। जब कैबिनेट की बैठक, चिंतन बैठक हुई पचमढ़ी में, तो उनको जो रूट लेना पड़ा वो बरेली बाड़ी होते हुए और फिर पचमढ़ी गए, मतलब होशंगाबाद से नहीं आए वो लोग। तो काफी हद तक कह सकते हैं कुछ जिम्मेदार भी इसके लिए कहीं ना कहीं तक जिम्मेदार है, और वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल का 150 साल पुराना ब्रिज था, आपने उसकी मरम्मत नहीं करी सही समय पर। बिल्कुल, पुरानी जो हमारी धरोहरें हैं, जो हम पहले ही हमारे पास तमाम चीजें रहती हैं, हमने देखा है कई सारी इमारतें हैं, भोपाल की भी, राजधानी की भी बात करें तो यहाँ पे भी कई सारी ऐसी इमारतें हैं जो इसी वजह से इसी वजह से खराब हो रही हैं, इसी वजह से छिन्नदिर हो रही हैं, तो ये जाहिर सी बात है जो आप बता रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद, क्योंकि अब रूट है नहीं, काफी लंबा लोगों को होकर जाना पड़ेगा, इस पर प्रशासन अब कोई जवाब दे रहा है कि क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से पूरा एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता था, कोई बस चल रही होती पर या कोई और बात होती तो और भी बड़ा घटनाक्रम हो सकता था यहाँ पर? जी बिल्कुल हो सकता था, मगर बहरहाल मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत शुक्र है भगवान का कि कोई बहुत ज्यादा वाहन उस पुल पे एक के पीछे एक नहीं लगे थे, और ये जो ट्रक है वो अकेले ही वहां से निकल रहा था, तो इस वजह से वो ट्रक जो है वो पूरा नीचे जाके धराशायी हो गया, और वो सामान, पुल भी धराशायी हुआ और सामान भी उनका पूरा धराशायी हो गया है। और प्रशासन ये आकलन करने में जुटा है कि उसमें जो ट्रक में जो सामान जो ले जाया जा रहा था उसके ड्राइवर के क्या हाल है, वो सारी चीजें जो है वो फौरन रेस्क्यू कार्य कर रहा है प्रशासन, और थोड़े समय होगा तो उसके बाद में काफी कुछ हद तक तस्वीर साफ होगी। पारुल, बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ब्रिटिश काल का ये ब्रिज है, 150 साल पुराना बताया जा रहा है, जहाँ से होकर ये ट्रक गुजर रहा था, काफ़ी ज़्यादा भारी ये ट्रक भी था, लेकिन क्योंकि काफ़ी पुराना ये ब्रिज था, इसी का किसी तरह से मेंटेनेंस नहीं हुआ, काफ़ी पुराना होने की वजह से ये हादसा भी हुआ है। लेकिन प्रशासन की अनदेखी, प्रशासन की लापरवाही देखिए कि इसका मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं हुआ, और मेंटेनेंस अगर होता तो शायद ये पुल इस तरह धराशायी नहीं होता।